नमस्कार, एग्री वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते एग्री की बात करें तो वैसे तो पूरा मई मंथ एग्री मार्केट के लिए अच्छा नहीं रहा है। जिस ढंग से हमने इक्विटी मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, इक्विटी के साथ साथ हमने करेंसी के अंदर या क्रिप्टो के अंदर, सभी असेट क्लास के अंदर गिरावट देखी है, इसी का एक कैस्केडिंग इफेक्ट पूरे एग्री मार्केट में मई मंथ में पड़ता हुआ दिखाई दिया। बट पिछले हफ्ते के अंदर ऐसी दो कमोडिटी रही है जो लोअर लेवल से अच्छी खासी तेजी दिखाई है। पहला है कैस्टर और दूसरा है कॉटन कॉम्प्लेक्स। कॉटन कॉम्प्लेक्स की भी अगर हम बात करें तो कॉटन तो रेंज बाउंड रहा है, बट कपास में तेजी कायम रही है। कॉटन सीड ऑयल केक में भी हमने थोड़ी बहुत गिरावट बनते हुए देखी है। तो सबसे पहले अगर हम कैस्टर की बात करें तो कैस्टर में शॉर्ट कवरिंग के चलते हमने देखा प्राइजेस 7,450 का लेवल ओपन करता हुआ दिखाई दिया और 7,700 का लेवल ऑलमोस्ट छूता हुआ दिखाई दिया है। एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि फंडामेंटल काफी मजबूत है, जिसकी वजह से प्राइजेस के अंदर कहीं ना कहीं तेजी का रुख कायम रहेगा। प्रोडक्शन लोअर है, चाइना मार्केट ओपन अप हो रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डिमांड पिकअप करता हुआ दिखाई देगा। टेक्निकली भी अगर हम देखें तो शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू है, जिसकी वजह से प्राइजेस को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। अब अगला पड़ाव जो है वो है 7,700 का। 7,700 के ऊपर क्लोज करने पे 7,900 से 8,000 तक के टारगेट हम कैस्टर में देख पाएंगे। मसालों की बात करें तो मसालों में हमने पहले ही अलर्ट दिया था कि पूरे मसाले पैक मई और जून के फर्स्ट वीक तक रेंज बाउंड टू वीक रह सकते हैं। हल्दी के अंदर हमने 8,390 के करीब ओपन होते हुए जरूर देखा, बट प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पाए और 2% की गिरावट के साथ 8,200 के करीब क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। जीरे के अंदर भी हमने देखा प्राइजेस में जंप जरूर था, बट 22,500 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए, 1% की गिरावट के साथ 21,770 पे क्लोज हुआ। वहीं धनिया के अंदर भी हमने 2.5% की गिरावट बनते हुए देखी। पूरे मसाले पैक के अंदर अगला हफ्ता भी मार्केट नेगेटिव रहेगा। नो डाउट लॉन्ग टर्म काफी स्ट्रांग दिखा रहा है, क्योंकि कैरी ओवर स्टॉक काफी कम है, प्रोडक्शन कम है, एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी रहने की उम्मीद है, पाइपलाइन एम्प्टी है, बट ये सब चीज डिस्काउंट ऑलरेडी हो चुकी है। तो हमें लगता है प्राइजेस में थोड़ा ठहराव, कंसोलिडेशन, वीकनेस रह सकती है, तो संभल के ट्रेड करें। जहाँ पे हल्दी हमें लगता है 8,000-8,100 का बेस बनाते हुए दिखाई देगी, 8,350 के ऊपर ही 8,600 की तैयारी कर सकती है। जीरे के अंदर लॉन्ग टर्म अच्छा है, जो 23,000-24,000 का लेवल आराम से दिखा दे, बट कहीं ना कहीं उम्मीद है कि प्राइजेस वापस 21,000 के करीब जाता हुआ दिखाई देंगे। वॉलिटी बनी हुई रहेगी, बड़ी पोजिशन ना बनाइए। 21,000 के करीब फिर भी इंट्राडे या वीकली बेस पे हम पोजिशंस बना सकते हैं, बट बड़ा लेवल अभी मत बना के चलिए। धनिया की भी बात करें तो धनिया में भी हमने गिरावट देखी है। 11,000 से लेकर 12,000 का एक ब्रॉडर रेंज बना हुआ है, इसी रेंज में मार्केट ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। लॉन्ग टर्म व्यू तेजी का रहेगा। गवार के बाद अगर हम मसालों के बाद अगर गवार की बात करें तो यहाँ पे हमने एक अच्छा खासा मूव बनते हुए देखा, जहाँ पे नेगेटिवली 2.5% की गिरावट गवार में और 1.5% की गिरावट गम में आते हुए देखी है। मई मंथ में जो कंसर्न्स बने थे, जिसके चलते हमने प्राइजेस के अंदर कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा फॉल आते हुए देखा है। फंडामेंटल लॉन्ग टर्म के लिए मजबूत जरूर है, बट प्रेशर सभी कमोडिटी के चलते गवार के ऊपर भी पड़ता हुआ दिखाई दिया। हमने देखा कि गवार के लिए सपोर्टिव न्यूज़ ये है कि यूएस से रिग काउंट कंटिन्यू तेजी दिखा रहा है, और रिग बढ़ता है तो कहीं ना कहीं गवार को भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। रुपी गिरावट एक्सपोर्ट को सपोर्ट करेगी। अच्छा मानसून कहीं ना कहीं अदर क्रॉप्स के ऊपर फार्मर्स को शिफ्ट करते हुए दिखाई देगी, तो गवार का फ्यूचर जरूर अच्छा लगता है, बट टाइमिंग मई मंथ खराब लगता है। गवार सीड के लिए रेंज की अगर हम बात करें तो 5,850 से लेकर 6,180 के दायरे में गवार सीड टेज करेगा। वहीं गवार गम की अगर बात करें तो 12,000 से लेकर 11,000 का एक ब्रॉडर रेंज है, इसी रेंज में गवार गम ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे, बट लोअर लेवल से बाइंग कंटिन्यू रहेगी। मेंथा का आउटलुक पॉजिटिव है, टाइमिंग क्रॉप छोटे होने की वजह से और वेदर डिस्टरबेंस की वजह से भी प्राइजेस को सपोर्ट मिला है। सिंथेटिक मेंथा का मार्केट दबदबा काफ़ी ज़्यादा है, बट प्रोडक्शन में कुछ हैपनेस हो सकती है, जिसके चलते प्राइजेस में 1140 का पहला लेवल और ये तोड़ने पे हम 1200 तक का लेवल कभी भी देख सकते हैं। इसमें पोजीशन बना के चलिए, वॉल्यूम्स कम है इसके लिए पहले से पोजीशन बना के चलिए। अंत में अगर कॉटन कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो कॉटन के प्राइजेस के अंदर भी हमने लॉन्ग लिक्विडेशन के चलते 0.5% की गिरावट देखी, क्योंकि गवर्नमेंट एक्शंस काफ़ी सक्रिय है।
वहीं कॉटन सीड ऑयल के अंदर फ्रेश सेलिंग के चलते प्राइजेस 2800 के करीब क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। वहीं कपास में फ्रेश बाइंग के चलते प्राइजेस 1.25% की तेजी के साथ 1815 पे। ओवरऑल अगर हम देखें कॉटन कॉम्प्लेक्स में तो क्रॉप प्रोडक्शन कम होते हुए दिखाई दे रही, जिस ढंग से 370, 360, 340, 350 और 320 या उसके नीचे की क्रॉप बताई जा रही है, जिसकी वजह से कॉटन कॉम्प्लेक्स को सपोर्ट मिल रहा है। साथ में यूएस में भी ड्रॉट कंडीशन के चलते कहीं ना कहीं कॉटन की स्विंग है वो पिछड़ते जा रही है। इन सब को देखते हुए लगता है कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं प्राइजेस के अंदर एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो अगले हफ्ते के लिए कॉटन में बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपनाइए, जो 43,000 के करीब मार्केट में बाइंग की जा सकती है, लेकिन ध्यान रखिए 50,000 के ऊपर निकलने पर ही नई तेजी दिखेगी। कॉटन सीड ऑयल के 2750 से लेकर 2950 के रेंज में रहेगा, 2750 के करीब लेके चलिए, बट बड़ी पोजीशन 2820 का लेवल तोड़ने पे ही बनाइए। कपास के अंदर भी अगर हम बात करें तो प्राइजस 1820 का एक अच्छा खासा सपोर्ट ले चुकी है, जो अपसाइड के अंदर 1860 तक का लेवल दिखा सकता है। तो इन ऑल पूरे एग्री पैक के अंदर बड़ी पोजीशन नहीं बनानी है, ट्रेंड के साथ ट्रेंड करना है। धन्यवाद।